खुद के अपराध क्रमांक 342/17 धारा 394 384 506 411 IPC में आरोपी कपिल रघुवंशी पिता स्वर्गीय कन्हैया लाल उम्र 35 साल निवासी नाहर कॉलोनी बरेली रायसेन जो कि घटना दिनांक से फरार था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5000 का इनाम घोषित किया गया था। दिनांक 24/9/2020 को शाम 4 बजे करीब मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। उक्त आरोपी कोई अपराध करने की नीयत से देसी कट्टा लेकर 11 मील पर घूम रहा है। सूचना पर उपनिरीक्षक प्रकाश राजपूत, प्रधान आरक्षक नागेंद्र बहादुर सिंह, प्रधान आरक्षक अरुण मलिक एवं प्रधान आरक्षक राम प्रकाश पांडे को उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु रवाना किया गया। बदमाश 11 मील पर मिला। इसके समक्ष गवाहन गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया। बदमाश को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। बदमाश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 485/20 धारा 25 आर्म्स एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। बदमाश पूर्व से ही थाना मिसरोद के अपराध क्रमांक 342/17 में फरार चल रहा था। उक्त अपराध में भी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पालकरा कहां से गिरफ्तार करा और क्या इसने वारदात को अंजाम दिया था? इसने एक महिला के साथ लूटपाट, महिला को भेज के एक व्यापारी के साथ लूटपाट करी थी। उसके पूरा गाड़ी वगैरह सामान सोना वगैरह सब लूट लिया था और जब इसे फरार था, ताकि साथी पकड़ा गए थे उसके, तो काफ़ी दिनों में 4 साल से फरार था। सलमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए पार्टियां भेजी जा रही थी। मुखबिर की सूचना मिली थी हमें कि 11 मील पे निकलने वाला है और अवैध हथियार रखा हुआ है, तो मुखबिर की सूचना पर कल उसे गिरफ्तार करा। उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। तो ये कहाँ कहाँ से फरारी गाड़ी को 4 सालों के अंदर कहाँ कहाँ रहा, इसका अर्निंग क्या रही, कैसे इसने जो अभी पूछताछ में बताया, वो ये बताया कि ये ट्रक पर क्लीनरी करता था और अभी कलकत्ता गया हुआ था। कलकत्ता से आया था, ट्रक पर गाड़ी में चलता था और वहाँ बाहर रह के ही वारदात वगैरह स्पेशल लोगों, क्रिमिनल लोगों को टच में रहता था। संबंध में तस्दीक की जाए।